हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के यहाँ पर विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम हैं, जो कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड ग्रेड के नोट्स से हैं, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। इस साइड प्रचलित नाम है और इस साइड जो क्षेत्र है वो राजस्थान में जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, वो कौन से प्रचलित नाम के प्रचलित नाम क्या है। देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ शेखावाटी। तो शेखावाटी के अंदर देखो चूरू, सीकर, झुंझुनू के क्षेत्र आते हैं। तो इसी प्रकार से और भी क्षेत्र हैं, वो किस प्रकार से उनके प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए, जंगल देश किसका प्रचलित नाम है, इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग का क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी भाग का क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं योद्धे। यहाँ पर इसमें आएगा प्रचलित नाम अयोध्य और यहाँ पर हनुमानगढ़ और गंगानगर के आसपास का प्रदेश, ठीक है, इसमें ये आएगा। उसके बाद यहाँ पर तीन नंबर है बांगड़ और बांगवर, ठीक है। तो इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आएगा, डूंगरपुर आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आर भूत है चंद्रावती, इसमें ये प्रचलित नाम है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले हैं, कौन सा क्षेत्र आएगा, सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र, सिरोही जिला और आबू के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, सिरोही और आबू के आसपास का क्षेत्र इसमें आएगा। उसके बाद यहाँ पर मरुवार या मारवाड़ प्रचलित नाम है, मरुवार या मारवाड़, इसमें जोधपुर राज्य व आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जोधपुर राज्य व आसपास का क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं मेवल, इसमें ये प्रचलित नाम है मेवल, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ठीक है, मध्य का भाग, बांसवाड़ा के मध्य का भाग। उसके बाद है ये मेवल है और ये है मेवात, ठीक है, ये मेवल है और ये मेवात है। तो यहाँ पर मेवल में मैंने बता दिया आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग, ठीक है, और मेवात वात यहाँ पर तय है, यहाँ पर लय है, ठीक है। तो यहाँ पर लय है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अलवर नहीं आएगा, लय है तो, ठीक है। तो मेवात तय है तो यहाँ पर अलवर आएगा और आसपास का क्षेत्र आएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं अलवर, तो यहाँ पर अलवर लय वाले में नहीं आएगा, मेवल में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग आएगा मेवल में, और मेवात है, मेवात के अंदर अलवर आएगा, ठीक है, ये विपरीत है दूसरे के। इस प्रकार से आप क्लियर याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तोरावटी प्रचलित नाम है, तोरावटी, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, शेखावाटी में कात्री नदी का अफवाह क्षेत्र, जहाँ प्रारंभ में तवर तोमर वंश के शासकों का अधिपत्य रहा है, ठीक है। तो ये क्षेत्र आएगा इसमें तोरावटी, प्रचलित नाम है इसका तोरावटी। कांठल देवलिया, इसमें क्या आएगा, प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र, ठीक है, प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र कांठल देवलिया के अंदर आएगा। प्रचलित नाम है कांठल देवलिया, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र। उसके बाद यहाँ पर लास्ट हमारा, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था, शेखावाटी। तो शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र। यहाँ पर देखिए बोरेट का पठारी क्षेत्र, बोरेट का पठारी क्षेत्र है, इसमें उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ की तहसील, ये क्षेत्र आता है किसमें, बोरेट का पठारी क्षेत्र है इसमें। उसके बाद है मेरवाड़ा, इसमें अजमेर व राजसमंद जिले का दीवर क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दुधाड़, इसमें दुधाड़ में जयपुर व आसपास का क्षेत्र, जयपुर व इसके आसपास का क्षेत्र। उसके बाद है मांड बलदेश, इसमें ये प्रचलित नाम है और इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, जैसलमेर का क्षेत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद है सूरसेन, सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली सूरसेन में आएगा, कौन से क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर और करौली। उसके बाद है गिरवा,
इसमें उदयपुर व आसपास का पहाड़ी पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र, ठीक है, उदयपुर व पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र किसके अंदर आएगा, गिरवा, ये प्रचलित नाम है। उसके बाद गोडवाड़, गोडवाड़ में दक्षिण पूर्व पूर्वी बाड़ में जालौर सांचौर व पश्चिम सिरोही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है अहिछतरपुर, अहिछतरपुर में नागौर का क्षेत्र आता है, ठीक है। राठ, राठ ये प्रचलित नाम है, तो इसमें अलवर जिले का हरियाणा से लगता क्षेत्र, ठीक है, अलवर जिला है उसका जो हरियाणा से क्षेत्र लगता है वो यहाँ पर आएगा राठ में, ठीक है। उपरमाल, उपरमाल में देखिए भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग जो उपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती, हाड़ौती ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है हाड़ौती। इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा, देखिए कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा इसके अंदर आता है हाड़ौती, ये प्रचलित नाम है हाड़ौती। और इसमें कौन से क्षेत्र आते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा। उसके बाद है बागड़ या बांगर, ठीक है, तो इसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग जो लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए बोमेट क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र आता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए प्रचलित नाम में यहाँ देखिए केराड़ व माथेराड़। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रचलित नाम में खेराड़ व माथेराड़, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें आएगा भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिला, ठीक है, अधिकांश टोंक जिला, भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील व अधिकांश टोंक जिला। उसके बाद यहाँ पर है मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र में अलवर, बरपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, तो ये क्षेत्र आएगा। उसके बाद सीवी, मेरपाट, मेवाड़ जो प्रचलित नाम है, इसमें कौन से क्षेत्र आएंगे, उदयपुर व चित्तौड़गढ़। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में पारगवाट भी कहते थे, ठीक है, पारगवाट भी कहते थे। उसके बाद है माल, तो माल जो प्राचीन क्षेत्र है, प्रचलित क्षेत्र है, इसमें जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा। उसके बाद सालवे प्रदेश, इसमें अलवर का इलाका, अलवर का इलाका आएगा सालवे प्रदेश में। मालाणी में बाड़मेर, जालौर का क्षेत्र, मालाणी में बाड़मेर, बाड़मेर जालौर का क्षेत्र। उसके बाद में कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र प्रचलित नाम है, ठीक है, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, इसमें अलवर राज्य का उत्तरी भाग, ठीक है, अलवर का उत्तरी भाग। उसके बाद में थली, थली उत्तरी मरुभूमि, ठीक है, तो इसमें बीकानेर, चूरू, अधिकांश भाग व दक्षिण गंगानगर की मरुभूमि, ठीक है, चूरू का अधिकांश भाग व दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि और बीकानेर, इसमें आएगा थली उत्तरी मरुभूमि में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मालवा देश, मालवा देश में प्रतापगढ़, ठीक है, और झालावाड़। उसके बाद यहाँ पर डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र के अंदर धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र, ठीक है, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र डांग क्षेत्र के अंदर आएंगे। मरु, मरु इसमें अरावली पर्वतीय क्षेत्र आएगा, ठीक है, मरु में कौन सा आएगा, अरावली पर्वतीय क्षेत्र आएगा। गुजराता, इसमें जोधपुर का दक्षिणी भाग, मंडोर, ठीक है, गुजराता ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दशहरो, इसमें जग्गा व रागत पर्वतों के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, देखिए दोबारा देखिए दशहरो, इसमें जग्गा, जग्गा व रागत पर्वतों के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान के विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम व क्षेत्र यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट यहाँ पर आपको बता दिया है। अगर आप रीड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये मैटर, ठीक है। तो ये मैंने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।